पंजाब हत्याकांड नालंदा हिलसा थाना में वीरेश कुमार चंद्रवंशी की निर्मम हत्या तेजाब से नहला के कर दी गई, जिसमें हिलसा थाना के थाना प्रभारी और उसके टीम के प्रकाश कुमार शरण चंदन कुमार ने उसके कल होके जाकर गांव वाले को मतलब वीरेश कुमार के घर में और गांव वालों के साथ अत्याचार किया, माने महिलाओं के साथ क्रूरता व्यवहार किया, मुर्गा बनाया। ये आज के स्वतंत्रता में बहुत ही घृणित कार्य है। हमने पहले भी जहानाबाद कंसारा हत्याकांड के विरोध में आंदोलन किया था, विधानसभा का घेराव किया था। ये छोटी चिंगारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री को यह आवाज़ देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस पर एक्शन नहीं लिया, थाना प्रभारी को निलंबित नहीं किया, तो ये आंदोलन बिहार में चिंगारी बन के फैलेगी। और इस सत्याग्रह के माध्यम से मैं साधारण आंदोलन के माध्यम से आपकी नींव हिला दूंगा, आपकी सत्ता हिला दूंगा। हम लोग यहाँ पे आज कारगिल पटना कारगिल चौक पे खड़े हैं तेजाब सत्याग्रह को लेकर। एक वीरेश चंद्रवंशी था जो अपना पटना सिपारा में ठेला जुगाड़ गाड़ी चला के तीन बेटियों को प्राइवेट स्कूल में यहाँ पे पढ़ाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। होली मनाने गांव जाता है और उसको कुछ असामाजिक तत्व गांव के यारी दोस्ती में बुलाते हैं खाने पीने के नाम पे और उसको तेजाब से नहलाकर। आज के समय में सुन के हम लोग का रोमा जो होता है शरीर खड़ा हो जा रहा है सुन के कि आज के समय में सुशासन बाबू की सरकार ने ऐसा घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सोचने वाली बात है, ऐसा हम लोग किताबों में पढ़ते थे अंग्रेजों के ज़माने में होता था। और आज के समय में उस गरीब परिवार को तेजाब से नहलाकर होलिका दहन की रात को उसका होलिका दहन कर दिया जाता है। और इसमें उसके बाद भी 2 बजे रात्रि में थाना प्रभारी वहाँ का आकाश चंद्र सिंह करके है कोई कुणाल चंद्र सिंह पूरा दल बल के साथ आके उल्टा है उसके परिवार वालों के ऊपर पूरा महिला जो उसमें टोला मोहल्ला में महिला लोग है उनको मुर्गा बनाता है आके। प्रशासन का रवैया देखिए, मुर्गा बनाया जाता है, किसी का बाली छीन लिया जाता है, घर से कैश निकाल लिया जाता है और उल्टा घर वाले को और जिससे हत्या हुआ उसी के परिवार वाले को प्रताड़ना दिया जा रहा है। मेरा नाम रामा शंकर सिंह पिंटू चंद्रवंशी, ऑल इंडिया चंद्रवंशी एसोसिएशन का बिहार प्रदेश अध्यक्ष। आपने बोला बिहार में इससे पहले नहीं हुआ, सिवान में आपको पता होगा चंदा बाबू क्यों हो रहा है। जी जी बोला, चंदा बाबू के बेटे के साथ यही हुआ था, उनको भी तेजाब से नहला दिया गया था, उस मुद्दे को बहुत ज्यादा हाइप मिला जी। यहाँ पे क्या हुआ जो प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, जो आप लोगों को सत्याग्रह कर सुशासन बाबू का राज है, वही तो बोल रहे हैं हम, सुशासन बाबू का राज है, गृह जिला उनका है, उनको सोचना चाहिए कि हमारे गृह जिला में क्या हो रहा है। बात है, विडंबना है हमारे देश में कि देश आज हमारा आज़ाद हुआ और हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतना कुर्बानी देकर इस आज़ाद देश को हम लोगों के लिए इतना कुर्बानी दिया। वर्तमान में जो आप हालात देख रहे हैं कि ये जो हमने जो एक टाइटल दिया तेजाब सत्याग्रह आज क्यों करना पड़ा, क्योंकि समाज में हम आज भी जाति की भावना से ग्रसित, कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि उस पुलिस पे कार्रवाई हो और कानूनी तरीके से हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि जो परिवार जिस परिवार की जान गई है और उसके परिवार को और गांव में जाति के आधार पर महिलाओं के साथ मतलब इस तरीके से बर्बरता की तरह मारा जाता है और मजदूरी करके पूरे गांव के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं मजदूरी करके पैसा जमा करके रखता है बेटी के शादी के लिए इलाज के लिए और बक्सा को तोड़कर पैसा को लूट लिया जाता है, जेवर लेके भाग पुलिस के द्वारा ये घटना घटता है। तो हम ये नहीं कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये पूरा सच है, ये सच है या गलत है, सीबीआई जांच अगर होगा तो निश्चित तौर पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।